नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नॉलेज डायरी के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल रियासत के भारत में विलय की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी मिलने के 659 दिन बाद 1 जून 1949 को भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया। अब भोपाल रियासत के भारत में विलय में लगभग 2 साल का समय इसलिए लगा कि भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां इसे स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। वहीं हैदराबाद का निज़ाम उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए प्रेरित कर रहा था, जो कि भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल मुमकिन नहीं था। दोस्तों, आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी भोपाल रियासत का विलय न होने से जनता में भारी आक्रोश था। भोपाल रियासत को भारत में मिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। आखिर यह जन आक्रोश विलीनीकरण आंदोलन में परिवर्तित हो गया और 1 जून 1949 को भोपाल का भारत में विलय हुआ। दोस्तों, भोपाल के भारत में विलीनीकरण की कहानी जानने से पहले हमें भोपाल का इतिहास जानना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पहचान आज भी नवाबों के शहर के रूप में होती है। यहाँ नवाबों का राज रहा और नवाबों की सल्तनत अंग्रेजों की वफादार हुआ करती थी। इस रियासत की स्थापना 1723-24 में औरंगजेब की सेना के योद्धा दोस्त मोहम्मद खान ने सीहोर, आष्टा, खिलचीपुर और गिन्नौर को जीत कर की थी। 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मौत के बाद उनके बेटे यार मोहम्मद खान भोपाल रियासत का पहला नवाब बना। मार्च 1818 में जब नजर मोहम्मद खान नवाब थे, तो एंग्लो भोपाल संधि के तहत भोपाल रियासत भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की प्रिंसली स्टेट हो गई। 1926 में उसी रियासत के नवाब बने हमीदुल्ला खान। दोस्तों, आप जानते हैं नवाब हमीदुल्ला खान के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षित नवाब हमीदुल्ला को दो बार 1931 और 1944 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बनाया गया और भारत विभाजन के समय वे ही चांसलर थे। आज़ादी का मसौदा घोषित होने के साथ ही उन्होंने 1947 में चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। नवाब हमीदुल्ला जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के मित्र थे। 14 अगस्त 1947 तक वह कोई फैसला नहीं ले पाए और मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्ला ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री बने चतुर नारायण मालवीय। नवाब ने भले अपना मंत्रिमंडल बना लिया हो, लेकिन नवाब की रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। यहाँ तक कि नवाब के खास रहे चतुर नारायण जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, वो भी विलीनीकरण के पक्ष में हो गए। भोपाल रियासत के भारत गणराज्य में विलय के लिए चल रहे विलीनीकरण आंदोलन की रणनीति और गतिविधियों का मुख्य केंद्र रायसेन था। रायसेन में ही उद्धव दास मेहता, बालमुकुंद, जमुना प्रसाद और लाल सिंह ने विलीनीकरण आंदोलन को चलाने के लिए जनवरी फरवरी 1948 में प्रजामंडल की स्थापना की। रायसेन के साथ ही सीहोर से भी आंदोलनकारी गतिविधियां चलाई गई। नवाबी शासन ने विलीनीकरण आंदोलन को दबाने का खूब प्रयास किया, यहाँ तक कि आंदोलनकारियों पर लाठियां और गोलियां तक चलाई गई। इसी आंदोलन में रायसेन जिले के ग्राम बोरास के 4 युवा शहीद हुए। यह चारों शहीद 30 साल की कम आयु के थे। शहीद होने वालों में धन सिंह आयु, मंगल सिंह, विशाल सिंह और 16 वर्षीय किशोर छोटेलाल शामिल था। 14 जनवरी 1949 को उदयपुरा तहसील के ग्राम बोरास में नर्मदा तट पर विलीनीकरण आंदोलन को लेकर विशाल जनसभा चल रही थी, जहां पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 4 युवा शहीद हो गए। इन शहीदों की स्मृति में रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील के ग्राम बोरास में नर्मदा तट पर 14 जनवरी 1984 में शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसी के साथ भोपाल रियासत की आज़ादी का आंदोलन और उग्र हो गया। इसी दौरान अक्टूबर 1948 में नवाब हज पर चला गया। दिसंबर 1948 में भोपाल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे। कई लोग गिरफ्तार हुए। 23 जनवरी 1949 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 8 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। बोरास के गोलीकांड की सूचना सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलते ही उन्होंने वीपी मेनन को भोपाल भेजा और सरदार पटेल ने सख्त रवैया अपनाकर नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता, भोपाल को मध्य भारत का हिस्सा बनना ही होगा।
भोपाल रियासत का 1 जून 1949 को भारत गणराज्य में विलय हो गया और भारत की आज़ादी के 659 दिन बाद भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया। सरदार पटेल ने नवाब को लिखे पत्र में कहा था कि मेरे लिए ये एक बड़ी निराशाजनक और दुख की बात थी कि आपके अविवादित हुनर तथा क्षमताओं को अपने देश के उपयोग में उस समय नहीं आने दिया जब देश की उसको ज़रूरत थी। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर NB बैनर्जी ने कार्यभार संभाला और नवाब को मिला 11 लाख सालाना का प्रीवी पर्स। भोपाल के 1949 में भारत के साथ विलय हो जाने के बाद वहां भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य कमिश्नर की नियुक्ति कर शासन संभाला गया। सिंध क्षेत्र से आने वाले रेफ्यूजियों के लिए भोपाल के पश्चिम के उपनगर बैरागढ़ में रिहाइश की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1952 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ और शंकर दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। इस पूरे विलीनीकरण के चलते नवाब हमीदुल्ला ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को नवाब की पदवी देना चाहा था, लेकिन आबिदा ने पाकिस्तान में बसने का विकल्प चुना और वह वहाँ विदेश मंत्रालय और कई अन्य विभागों में उच्च पदों पर भी रही। आबिदा के पाकिस्तान जाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें निष्कासित माना और उनके बाद नवाब की छोटी बेटी साजिदा सुल्तान ने गद्दी संभाली। फिर 1971 में देश की तमाम रियासतों का तब खात्मा हो गया जब भारत सरकार ने प्रीवी पर्स की विशेष व्यवस्था खत्म कर दी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है, मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान उर्फ नवाब पटौड़ी इन्हीं साजिदा सुल्तान के बेटे थे और बाद में उन्हें ही भोपाल के नवाब के तौर पर मान्यता मिली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भोपाल रियासत के भारत में विलय की। दोस्तों, इससे पहले हमने हैदराबाद, जूनागढ़ और जोधपुर रियासत के भारत में विलय पर अलग से वीडियो बनाए हैं जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।